इतना मॉडिफाइड नहीं था हम लोग के टाइम में, अभी काफी ज्यादा मॉडिफाइड कर दिया गया है। मंकी लेटर को थोड़ा छोटा कर दिया गया, हम लोग ऊपर से कूदते थे। बाबू रो क्या रहा बाबू? वेलकम बैक टू योर, आपका अपना नितेश गोस्वामी ब्लॉग्स। तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम आपको ले जाने वाले हैं धनबाद का वन ऑफ द टॉप स्कूल में, जिसका नाम है डिनोबली स्कूल FRI। तो गाइज हम भी उसी से पढ़े हैं और आपको आज वहां पे ले जाने वाले हैं जूनियर स्कूल, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी उसी में पढ़ता है जिसका नाम तन्मय है। तो उसको छुट्टी होने वाला, अभी आज एग्ज़ाम था तो आज सोचे कि आज उसको, मेरा भी आज छुट्टी है तो आज हम ही उसको लेके आएंगे। तो चलिए रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं उसको लेकर आते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है। दिखाएंगे आपको डिनोबली स्कूल, जूनियर स्कूल जाएंगे, वहाँ से फिर सीनियर स्कूल का कैंटीन जाएंगे, समोसा खाएंगे। सो गाइज हम लोग फाइनली स्कूल पहुँच चुके हैं, गेट के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। गेट अभी बंद है, 4 मिनट बाकी है छुट्टी होने में बाबू का। तो देखिए बाहर से कुछ ऐसा लगता है और अंदर में देखिए प्ले ग्राउंड सब बना हुआ है। ये बच्चा लोग का है जी। अब ये जो बगल में पीला पीला दीवार देख रहे हो और वो बिल्डिंग देख रहे हो, वो और कुछ नहीं, वो DAV स्कूल है। और इसके जस्ट बगल में ये डिनोबली स्कूल है। तो ये भी अच्छा स्कूल है CBSE का। थोड़ा आपको अगर बजट में करना है तो ये, और थोड़ा सा बजट के ऊपर वाला स्कूल है ये अपना डिनोबली स्कूल। इसका फीस वगैरह बहुत हाई है क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरनेशनली सर्विस प्रोवाइड करता है और इसके अंदर का फैसिलिटीज़ अनकम्पेरेबल है। मतलब वन ऑफ द धनबाद का वन ऑफ द टॉप स्कूल में इसका नाम आता है। और ICSE का ये डिनोबली का मेन ब्रांच यहीं पे है आफ्टर फ्रांस, और बाकी सब जो है डिनोबली वो सब इसके ब्रांच है। तो मेन ब्रांच यही है डिनोबली स्कूल का। और तो अभी गेट खुलेगा, छुट्टी होगा तो आपको सीधा अंदर ले चलेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, है ना। तो जब छोटे थे हम, जब क्लास, ये जो स्कूल आपको अभी आधा भी नहीं दिख रहा होगा, ये 2% जो दिख रहा है ना, ये अभी जूनियर डिपार्टमेंट है। और देखिए घंटी बज चुका है, बच्चा लोग अब छुट्टी होने वाला है, बच्चा लोग निकलेगा। इधर से क्लास 5 तक का बच्चे लोग निकलते हैं, उसके बाद सीनियर स्कूल में शिफ्ट कर जाते हैं। तो चलिए अब घंटी बज चुका है, चलते हैं, गेट खुलने वाला है। सो गाइज बाबू का छुट्टी हो गया है, देख सकते हैं इसको अब उठा लिए हैं, अब इसको कैंटीन ले जा रहे हैं। तो देखिए ये है जूनियर स्कूल का बास्केटबॉल कोर्ट, मतलब ये एक सिर्फ एक छोटा सा झलक है। और वो देखिए पीछे सब बच्चा लोग वहाँ पे खेल रहा है, छुट्टी हो गया हम लोग का। तो ये पाथ जब हम लोग पढ़ते थे तो नहीं बना हुआ था, लेकिन अब जो अपडेट किया है डिनोबली स्कूल को तो गजब का किया है। ये देखिए इसको बोलते हैं अपर ग्राउंड, ठीक है, ये अपर ग्राउंड है ये जूनियर स्कूल वालों के लिए, ठीक है। और उसके पीछे को और आपको खाली दिख रहा वो है लोअर ग्राउंड, वो भी जूनियर स्कूल वालों के लिए। और उसके बगल में वहाँ पे जो आपको दिख रहा है वहाँ पे वो है बास्केटबॉल कोर्ट, दैट इज़ फॉर सीनियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बगल में भी बास्केटबॉल कोर्ट है और उसके लेफ्ट साइड भी एक बास्केटबॉल कोर्ट है, और फिर ऊपर में लॉन टेनिस कोर्ट है, यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट है, और बगल में कैंटीन है जहाँ भी हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो पाथवे बना हुआ है ये पहले नहीं था और अभी इसको बनाया गया है, जो कि बहुत सही है, एकदम बहुत सही लग रहा है ना। और वो है डिनोबली स्कूल मेन ऑडिटोरियम गाइज, वहाँ पर दूर से, चलिए आपको थोड़ा करीब ले जाएंगे आने समय, वहाँ पे है मेन ऑडिटोरियम। तो बहुत धूप था इसीलिए हम लोग यहाँ पाथवे से जा रहे हैं, है ना, इसीलिए, नहीं तो वहाँ से आपको सामने से दिखाते ऑडिटोरियम को। लेकिन चलिए फ़िलहाल अभी कैंटीन की तरफ जाते हैं, कितने टीचर्स मिलेंगे फिर देखते हैं। पहले तो समोसा था 5 रुपया, 4 रुपया जब हम पढ़ते थे, और अभी 8 रुपया हो गया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे भी सब बच्चा लोग वेट कर ही रहा है, तो
चलते हैं अब कैंटीन। ये है कैंटीन, हम लोग पहुँच ही चुके हैं। चलिए कैंटीन में। हम लोग समोसा फिलहाल बाबू का बैग में भर दिए हैं और माउंटेन ड्यू का एक बोतल ले लिए हैं, क्योंकि गर्मी लग रहा था और थोड़ा पूरा बहुत टाइम बाद अपना कैंटीन में आए हैं। तो गाइज अब देखिए, यहाँ से आपको दिखा रही है जूनियर स्कूल का अपर ग्राउंड है, और वो सीधा जो सामने दिख रहा है वो है मेन ऑडिटोरियम, और इधर तो है बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह। एक और वीडियो बनाए हैं हम, आप ब्लॉग में जाइए, चैनल मेरा खोलिए और पीछे जाके देखिए तो आपको दिख जाएगा। वो उसमें एक पूरा क्लियर आपको सारा ग्राउंड वगैरह कोर्ट वगैरह सब डाले थे। तो ये है यार, यहाँ पे हमेशा आने के बाद मज़ा ही आता है। यही ग्राउंड हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पे फुटबॉल खेलते थे। ये देखिए कितना कुछ है यहाँ पे, तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आने के बाद हमेशा। अभी जूनियर स्कूल का जितने टीचर्स हैं वो मोस्टली न्यू हैं, और उनको उतना प्रॉपरली अब जान नहीं सकते, लेकिन सीनियर स्कूल में सबको जानते हैं हम, तो उनसे है कांटेक्ट अभी भी। इतना मॉडिफाइड नहीं था हम लोग के टाइम में, अभी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड कर दिया गया है। मंकी लेटर को थोड़ा छोटा कर दिया गया, हम लोग ऊपर से कूदते थे। बाबू रो क्या रहा बाबू? तो गाइस फाइनली अब हम लोग स्कूल से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं घर की ओर। बहुत मज़ा आया, मतलब जब भी वापस जाते हैं डिनोवरी स्कूल में सब कुछ रिफ्रेश हो जाता है, वापस सब याद आने लगता है। वही ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, क्या खेलते थे, बहुत मज़ा आता था डिनोवरी स्कूल में। अब देखेंगे बीवी अब क्या करता है, खेलेगा ना रे तुम? अब सर्टिफिकेट का थोड़े ना स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। अरे डिनोमी, ये डिनोमी स्कूल में जो बच्चा मतलब है वो उसका जो टैलेंट है वो बाहर आएगा ही। अगर स्पोर्ट्स में है तो अच्छा स्पोर्ट्समैन बन के निकलेगा, ठीक है। सिंगर गीत अच्छा गाता है, अर्पित अच्छा गाती है, तन्मय अच्छा पता नहीं क्या करेगा, तन्मय अच्छा नहीं हम गाते जो भी अच्छा करता है उसका टैलेंट बाहर आ जाता है। टैलेंट तो मेरे में गाने का जरूर है। अच्छा तुम्हारा, तुम सिंगर बनेगा जी? बोल रहे बास्केटबॉल खेलने बोल रहे हैं, तो हम लोग यूथ फेस्टिवल में भी जा चुके हैं बाहर, है ना भैया? अरे डिनोवली स्कूल का बात ही है, और अभी जो जूनियर स्कूल की तुम लोग की वाइस प्रिंसिपल है मिस प्रीता, मतलब बेस्ट, एकदम बेस्ट, अब तक की बेस्ट मिस मर्सी के बाद अगर कोई टीचर फेवरेट है तो मिस प्रीता रही है। हम लोग 2 साल क्लास टीचर थी, और अभी डिनोवली स्कूल जूनियर की वाइस प्रिंसिपल वही है। बहुत अच्छा डिसिप्लिन वगैरह सब, बहुत उनके अंडर में सब कुछ अच्छा होता है। तो अब हम लोग सीए पर ऐसे भी बाहर निकल चुके हैं गाइस, है ना। तो आई होप आपको वीडियो मज़ा आया होगा, तो चलिए इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
नितेश गोस्वामी ब्लॉग्स।